हाथरस की पीड़िता बेटी के घर पर सीसीटीवी कैमरे लग गए ताकि आने जाने वालों पर नजर रखी जा सके। हाँ ठीक है, हमारे ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कि आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है, कौन है, सबको जानकारी देखेंगे, देख के पता को आ जाएगा। सही है, आप लोग अभी तक के सुरक्षा से संतुष्ट हैं? हाँ सुरक्षा ठीक है। जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, सही रहेगा ये सब। मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया ताकि परिवार की सुरक्षा में कोई चूक न रहे। घर पर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा बिठा दिया गया ताकि पीड़ित परिवार के खिलाफ साजिश का कोई परिंदा भी पर न मार सके। क्या अब जो सुरक्षा दी गई है, अब आप लोग उससे संतुष्ट? हाँ अब तो संतुष्ट हैं, क्या कहते हैं, हमें सुरक्षा अच्छी मिल रही है। हाथरस कांड ने सिर्फ हाथरस को ही नहीं, उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि समूचे देश को दहला दिया था। इसीलिए पीड़िता के परिवार के लिए सुरक्षा के वो इंतजाम किए गए हैं कि उनका कोई बाल तक बांका न कर सके। अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा घर पर बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है। एक कैमरा घर के अंदर है और दूसरा जिस रास्ते से लोग इधर आते हैं उस रास्ते पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और इससे पूरी निगरानी की जाएगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर करने के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ रखी गई है। यहाँ पे एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी मतलब कोई भी जाने का प्रयास करे, उसके अच्छे से जांच हो सके और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे सीसीटीवी लगवाए जा रहे हैं और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। अगर ये सुरक्षा इतनी ही बड़ी और कड़ी है तो फिर पीड़िता का परिवार अपने ही गाँव में क्यों डरा हुआ है? पीड़िता का भाई कह रहा है कि गाँव में एक तरफ हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कोई चाय पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा। लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे गया? वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए। आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो, कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गाँव के। पीड़िता के परिवार वालों का ये भी कहना है कि बेटी उनकी मरी, अन्याय उनकी बेटी से हुआ, इंसाफ का इंतजार उनको है लेकिन पंचायतें हो रही हैं आरोपियों के लिए। ऐसे में कैसे रहेंगे वो उस गांव में जहां उनकी दुनिया उजड़ गई? हाँ हमारे मन में तो दहशत तो रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा कांड करने के बाद भी हमारे ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं तो दहशत तो है हमारे अंदर। तो कहां जाएंगे अब, क्या है आपके सामने, कहां जाने का रास्ता है? कहीं भीख मांगेंगे, खाएंगे क्या है, गरीब आदमी है, हमें भीख मांगने में खाने में कोई एतराज नहीं है, हमें मेहनत भी करनी है, हमें तो मेहनत कर भी खानी और यहाँ भी खा रहे। उनतीस सितंबर को हाथरस की निर्भया की मौत हो गई थी, उसके बाद उसके गांव में आक्रोश की चिंगारी उठी, सियासत का भूचाल आया। इन सब के बीच अगर पीड़िता के परिवार वाले डरे हुए हैं तो इसके कारणों में एक कारण तो ये है कि आरोपियों के लिए दो दो बार पंचायत हो चुकी है। दूसरा कारण उनका ये आरोप है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्हें डराया जा रहा है। तीसरा कारण परिवार की ये सोच है कि अगर सांसद पर स्याही फेंकी जा सकती है और भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर को धमकी मिल सकती है तो उनकी क्या हैसियत है। चौथा कारण पीड़ित परिवार का ये आरोप है कि उनका सामाजिक बहिष्कार हो चुका है। गाँव के हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं, तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीका से तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं, ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही है छोटे भाई को, जब एक संदीप नहीं रहेगा तो दूसरा संदीप कैसे रह पाएगा, ये भी हमने सुना जा रहा है। सरकार कहती है कि उसके लिए न्याय की तराजू पर दोनों पलड़े बराबर है, लेकिन पीड़ित परिवार कहता है कि ये न्याय कैसा हुआ जहां आरोपी और पीड़ित दोनों के लिए पलड़े बराबर कर दिए जाए, और यही वजह है कि अब परिवार ये साफ कहने लगा है कि उसे गांव में डर लगता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीड़िता के परिवार को अपनी तरफ से मदद का भरोसा दिया है। इसमें एक नौकरी, एक घर और 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद है। इसमें 25 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। अब परिवार चाहता है कि उसे घर मिले तो जरूर, लेकिन कहीं शहर में। हाँ, सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनों को नाते रिश्तेदारी में या कहीं अपनों देखेंगे, अपने दो रोटी को साधन तो बनाना पड़ेगा। पीड़िता के परिवार वालों को इस बात से भी डर लग रहा है कि जब माहौल ठंडा पड़ेगा तब उनकी हिफाजत कौन करेगा। आखिर डीएम साहब पहले ही धमका चुके हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए सुबह से चले गए। इस धमकी भरे वीडियो के सामने आने के बावजूद हाथरस के डीएम का बाल तक बांका नहीं हुआ। ऐसे में परिवार का डर इंसाफ के आगे एक सवालिया निशान बन गया है। राजेश सिंघल के साथ कुमार कुणाल, हाथरस आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।